फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, जिसके महत्व को आज भले हम लोग ना समझें, लेकिन एक समय पे इसका महत्व इतना ज़्यादा था कि इसके लिए लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। फ्रेंड्स, कभी हमने सोचा है कि अगर अंग्रेज़ों ने हम पर शासन ना किया होता, अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम ना बनाया होता, तो आज हमारी क्या स्थिति होती? अगर अंग्रेज भारत ना आते और उन्होंने हम पर शासन ना किया होता, तो आज एक अखंड भारत होता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसका कोई नामो निशान नहीं होता। हमारी मातृभाषा हिंदी ही होती और हमारी गिनती दुनिया के विकसित देशों में की जाती। हम सबसे ज़्यादा अमीर होते, ब्रिटेन दलिद्र होता, कुहिनूर हमारे पास होता, चाय अफीम हमारे घर तक ना पहुंचता। आज़ादी से पहले सबसे बदतर हालत महिलाओं की थी, जिन पर अत्याचार करने में अंग्रेज़ों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज हम 15 अगस्त को सिर्फ छुट्टी के दिन की तरह देखते हैं। हम आज़ादी के महत्व को ही नहीं जानते। जब हम नहीं जानते तो हम क्या बताएंगे अपने बच्चों को? तो ये बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त का दिन छुट्टी के दिन के तौर की तरह नहीं, बल्कि एक त्यौहार की तरह मनाया जाए। लोग इसके महत्व को समझें और लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके बारे में स्टडी करें, उनके बारे में जानें और उन्हें याद करें। आज़ादी के महत्व को एक पिंजरे में बंद पक्षी ही जान सकता है। तो ज़रूरी है कि हम, यानी उस समय लोगों के बलिदान के विषय में जानकर, पढ़कर हम आज़ादी के महत्व को समझें और दूसरों को भी जागरूक कराएं। अपने आप को केवल अपने घर और अपने परिवार तक सीमित रखकर नहीं, बल्कि पूरे देश को अपना घर समझें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।